जैसे आप देख सकते हैं मैं एक काउंटर बनाया है, 20 इंची इसकी ऊंचाई है काउंटर की, 4 इंची इसमें लग लगा हुआ है, टोटल 24 इंची ऊंचा है काउंटर। और ये मैंने बॉक्स बनाया है, ये देख सकते हैं, इसमें कंसील्ड लाइट लगेगी, जो वायर और निकालने का जगह इसमें हमने छोड़ रखा है, इसी बॉक्स में जो खाली बॉक्स पड़ा हुआ है इसी बॉक्स में ये फिक्स होगा, ये देख सकते हैं। इसमें माइका लगा के कंप्लीट कर दिया है, इसमें कटिंग करके कंसील लाइट लगाना है, जो बॉक्स खाली है इसी में इसको फिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं काउंटर का टॉप का चौड़ाई है 15 इंची, ये देख सकते हैं। साइड का जो मैंने बॉक्सिंग किया है साइड साइड में 14 इंची का बॉक्सिंग है, ये देख सकते हैं। कुछ इसी तरह बॉक्स बनाना है तभी लाइट लग पाएगी। अभी इसको हम फिक्स करके देख ले रहे हैं प्रॉपर बैठता है या नहीं, जैसे हम इसको लगा कर देख रहे हैं। ये हमारा प्रॉपर बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी हम आप लोगों को बीच की प्लाई भी लगा कर दिखाऊंगा, इसमें गैप कैसे छोड़ना है वायर डालने का। तो वीडियो को अंत तक देखें, पूरी जानकारी दूंगा मैं टीवी यूनिट बनाने का। जैसे कि लाइट का कनेक्शन हमने करके माइका लगा दिया है, अब इसमें लाइट का वायरिंग भी निकाल दिया है। ये बीच में हमने पट्टी लगाया है, जो इसमें पट्टी डाल दिया है, जो कि वायरिंग करने में कोई दिक्कत ना हो, नीचे से और ऊपर से भी होल करके वायरिंग हो जाएगी। अब इस पर हम प्लाई लगाएंगे बोर्ड का कटिंग करके, इसके ऊपर से हमको प्लाई लगाना है, बोर्ड का हिस्सा कटिंग कर देना है, जो कि प्लाई के ऊपर बोर्ड लग जाए, कुछ इसी तरह से रहेगा। से आप देख सकते हैं जिस तरह हमने लगाया प्लाई। अब इस पे हम माइका वाइका लगा के, माइका लगाने के बाद में अपना सिस्टम जो है इसमें पैनलिंग का पैनल बना देंगे, जिस पे टीवी हमारी जाम होगी। कुछ इसी तरह से तैयार होगा हमारा टीवी यूनिट, जो देख सकते हैं। इसी तरह से आपको बनाना है। इसकी हाइट हमारी 7.5 फीट की है। सात फीट चौड़ाई है, 7.5 फीट ऊंचाई है इसका। बीच में हमने दराज बनाया है, एक नीचे की साइड में, एक ऊपर की साइड में ओपन है।